नरे की मादी मादी है इसका जो नरे सेम ऐसे ही है। हाँ ये इसकी पट्टी है सेम टू सेम ये वाली। एक बच्चा निकला इनका। यहाँ पे जैसे कबूतर है जो कि अंडे के ऊपर बैठा है, ये सारनपुरी कबूतर है और ये उसकी मादी है और जैसे ये इनके कबूतर की बेटी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग विजन टीप। दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी अपने सारे कबूतर बंद है और अभी दोस्तों मैं बाहर जा रहा हूं कबूतर लाने के लिए। और दोस्तों जो अपने हल्के कबूतर है ना, बहुत ज्यादा भरा नहीं कर रही। और दोस्तों आज का जो मौसम है ना वो भी ठंडा है, इतना ज्यादा गर्म नहीं है, इसलिए दोस्तों आज मैं अपने कबूतर लेट भी खोलूंगा ना तो भी चलेगा। दोस्तों अपने लॉक के कबूतर है जो की माशाल्लाह पूरी एक्टिव है और इनको भी दोस्तों दाना पानी देना है। तो पहले हम कबूतर लेके आते फिर दोस्तों इनको दाना पानी देंगे हम। भैया चलना भाई। तो अभी दोस्तों बाहर जा रहे हैं कबूतर लाने के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से हमने कोई कबूतर लेके नहीं आए थे। तो इसलिए दोस्तों मैं सोचा जब कबूतर लेके आए थे और दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो को टाइटल और थंबनेल देख के समझ चुके होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं कबूतर लाने के लिए। तो अभी दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सोनू भाई की सेटअप पे। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नए कबूतर लाए अपने अभी? हाँ, एक अब बस्ती का ही लौटता है। तो दोस्तों देखिए आप, ये हरा कबूतर है जो कि दोस्तों लिया मैंने आते घर पे। दोस्तों जाके आपको इसका शौक करूंगा मैं। एक ये कबूतर है और एक दोस्तों इसकी मादी है। सनूर भाई ये दोस्तों मादी है गोरी फेरी। तो दोस्तों एक जोड़ा लिया मैंने। भारतीय कबूतर मंगाना बंद है क्या भाई? हाँ अभी क्या हो गया था? अभी ये गर्मी की वजह से भी नहीं मंगा रहे, अभी अगले महीने मंगाएंगे थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आसपास के जो देसी कबूतर थे वही कबूतर मंगा रहे थे और ये अभी नया सेटअप बना है। हाँ। दोस्तों आपको दिखाता हूँ उनका सेटअप में, ये इनके कबूतर है। इससे पहले यहाँ पे लोहे की पेटी थी और उसके बाद में वो लगाए थे कुछ दूसरा सिस्टम टोकरी वाला और अभी यहाँ पे ये लगाए। जैसा कबूतर पकड़ के तो आपको दिखाई देता हूँ कि बहुत ज्यादा कबूतर है। आपको जैसा ऐसे कबूतर दिखाई देता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे एक कबूतर है जो कि अंडे के ऊपर बैठा है, ये सारनपुरी कबूतर है और ये उसकी मादी है और दोस्तों ये इनके कबूतर की बेटी है। और यहाँ पे दोस्तों चेक करिए आप, यहाँ पे प्लाई है और इधर में दोस्तों टाइल्स लगी है। ये दोस्तों टाइल्स है, ये लकड़ी नहीं है। पीछे में दोस्तों दीवार ही दिखे और ये बस अभी बना है इनने कुछ दिन पहले। और यहाँ पे पटिया का सिस्टम है। इससे पहले दोस्तों जो सेटअप था वो थोड़ा अलग था और अभी जो उनका सेटअप है थोड़ा अलग है। ज्यादा ब्रीडिंग होती नहीं अपने यहाँ? क्या होती होती पहले होती थी, अभी फिलहाल में तो बंद था, अभी फिर चालू करेंगे। बच्चे एक नंबर खिलाते हैं मेरे। ये बड़े वाले? हाँ। ये कौन सा है भाई ये जो बैठा अंदर में? उमर भाई है। ब्यूटी उमर का सादे उमर? सादे उमर। ये नरे की मादी? मादी है। इसका जो नरे सेम ऐसे ही है? हाँ ये इसकी पट्टी है सेम टू सेम। ये वाली? एक बच्चा निकला इनका भाई। वो जो बच्चे का मुंह नहीं है क्या पूरा इसके अंदर चल जा रहा? हैदराबादी है। ये हैदराबादी कबूतर है। एक अंडा है किसके पास? दो अंडे। इसको मादी कौन सी लगी भाई? इसको अंडेदार मादी लगी है। एक अंडेदार मादी लगी इसको है ना। ये कल्फीरा मस्त है। अभी उड़ान चालू है कबूतर? नहीं अभी तो काम की वजह से नहीं, सिर्फ रमजान महीने में एक महीना टाइम मिलता। और दोस्तों ये जो कबूतर है ना ये दोस्तों इनने कुछ दिन पहले लिखा है मार्केट से जो कि बहुत ज्यादा मस्त है। ये वो तेज है। कौन सा? हरा हरा हाथ से निकलने कर रहा है ये आपको कुछ भी नहीं करता। कौन सा अच्छा लगा दोनों भी? पर खुले ना भाई इनके? नहीं नहीं चलते घर इनके। दोस्तों इनको पैसे देते हम और घर पे चलते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर पे और दोस्तों जो अपने कबूतर है वो बंद है। तो सबसे पहले मैं कबूतर खोलता हूँ और उनको दोस्तों दाना पानी देके बंद करता हूँ। और दोस्तों मैं जो नए कबूतर लेके आऊँ ना उनका आपको शौक कराता हूँ। इसको लेके चलते हैं ऊपर में क्योंकि जो पानी है दोस्तों मैं नीचे से लेके आता हूँ। और दोस्तों पहले आप भाई को बता दे रहा हूँ मैं, ये एक स्पेशल वीडियो है जो
जो दोस्तों बाकी की वीडियो है वो दोस्तों बाद में आएंगी। अब दोस्तों मैं जल्दी से अपने कबूतर खोलता हूँ। कबूतर बांस के ऊपर बैठे और कबूतर नीचे भी है। दोस्तों जल्दी से कबूतर को दाना पानी डालता हूँ मैं और मैं अपने कबूतर बंद करता हूँ। और दोस्तों जो मैं नए कबूतर लेके आऊँ ना उसका आपको शौक कराता हूँ। अगर दोस्तों ऐसे आपको कबूतर दिखाऊंगा तो आपको कबूतर समझ में नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों ये कबूतर को बंद करता हूँ मैं और बाद में दोस्तों आपको नए कबूतर का शौक कराता हूँ। तूफान आ गया दोस्तों, तूफान। तो अभी दोस्तों शाम हो चुकी है और दोस्तों जो हमने कबूतर लेके आए ना उसका दोस्तों आपको शौक कराता हूँ मैं। एक कबूतर दोस्तों मैंने पीठ में रखा हूँ उसका जोड़ा तोड़ के। यहाँ पे दोस्तों कबूतर का जोड़ा लगाया हूँ मैंने। दोस्तों ये खैरा का लंका है और ये दोस्तों खैरी माझी लेके आया मैंने, तो इसका जोड़ा इसके साथ में लगाया हूँ। ये दोस्तों नर कबूतर है और वो पीछे वाली माझी कबूतरी है। तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस नर का जोड़ा उस माझी के साथ में कैसा लगेगा आपको। दोस्तों पहले पीछे वाली माझी का शौक कराता हूँ मैं। ऐसी कुछ माझी है ये, इसकी काली चोंच है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है और सफ़ेद आँखें इसकी प्योर सफ़ेद आँखें दिखे। और खास तौर पे दोस्तों ये कबूतर मैंने आप भाइयों के लिए लिया हूँ। नहीं तो दोस्तों आप भाइयों को ऐसा लगेगा कि सिर्फ दोस्तों हम कबूतर पकड़ते रहते हैं कबूतर लेके नहीं आते। और ये दोस्तों स्पेशल वीडियो है इसलिए दोस्तों ये वीडियो को मैं पहले डाल रहा हूँ। इसका परों का शौक करिए, इस साइड के आपको पर खोल के दिखाता हूँ मैं और बाद में इसके पर मैं सही तरीके से बांध दूंगा क्योंकि इसके पर सही तरीके से बने नहीं है। बहुत ज़्यादा मस्त माझी है ये, पर दोस्तों इसके काट देंगे या दोस्तों हम इसके पर अच्छे तरीके से बांध देंगे। ये इसके इधर के पर है, ये दोस्तों इसकी पूछ है। दोस्तों इसकी पूछ के ऊपर देखिए डिजाइन बहुत ज़्यादा मस्त बनी है इधर की। और ये है दोस्तों कबूतर के पंजे, काली चोंच है, काले नाखून है और बड़ी ही लंबी माझी है। इसके दोस्तों ये साइड की पर बांधता हूँ मैं और इसको नीचे छोड़ता हूँ। और दोस्तों जो इसके साथ में कबूतर लेके आऊँ ना वो भी आपको दिखाता हूँ। इसकी पर बांध दिया मैंने। ऐसी कुछ माझी कबूतरी है ये जो कि बड़ी ही लंबी चौड़ी है, काली चोंच, सफ़ेद आँख और काले नाखून है इसके। वो कलंग का कबूतर बाहर निकालना पीठी में से। सेम जोड़ा दिखाएंगे, ऐसा भी अपन कर सकते हैं ना। दोस्तों देखिए ये कलंक का कबूतर है जो कि टेढ़ी मुंडी हो चुका था मगर अभी ये कबूतर ठीक हो गया। इसकी काली चोंच है, काली आँख है और प्योर काले नाखून है इसके। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताना आपको इसका जोड़ा कैसा लगेगा ना भाई। अब दोस्तों जो मैंने हरा कबूतर लेके आऊँ ना वो आपको दिखाता हूँ। तनवीर भाई ने पहले कबूतर लेके आ गए। दोस्तों ये है हरा कबूतर, काली चोंच है इसकी और अनारिया की इस कबूतर की। देखिए बहुत मस्त कबूतर है ये। और दोस्तों कबूतर थोड़ा मैला है, अगर एक दो बार कबूतर नहा लेगा ना तो पूरा सफा हो जाएगा। इसको भी आपको पर खोल के दिखाता हूँ मैं, इसके पर कैसे है। देखिए उल्टी पिन लगी थी इसकी, ये है कबूतर के पर और पर इसके थोड़े ख़राब है और पुराने पर इसके इधर के, ऐसा नहीं कि नए पर है। ये दोस्तों कबूतर की पूछ है, बंदूम का कबूतर है ये, पूरी बंदूम है इसकी और एक पूछ का कबूतर है, पूछ इसकी आ रही है अभी। यह है कबूतर के पंजे, काली चोंच, काले नाखून और बड़े लाल पंजे इसके। तो इसके दस में पर बांधता हूँ, उसके छत के ऊपर छोड़ता हूँ। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसका जोड़ा उस माझी के साथ में लगाऊंगा। ये दोस्तों सिंगल कबूतर होगा और वो भी दोस्तों सिंगल माझी होंगी। और दोस्तों जैसे कि आपको बताया मैंने वो खैरी माझी को वो खैरा कबूतर लगाने वाला हूँ मैं। दोस्तों देखिए आप इसके पर मैंने सही तरीके से बांधाऊँ, उधर 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 ये देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। क्या करूँ, पेटी में रखूँगी इसको, यहाँ पे रखता हूँ इस कबूतर को मैं। और दोस्तों जो इसकी चोंच है ना बहुत ज़्यादा छोटी है और ये कबूतर बहुत ज़्यादा मस्त है और बहुत ज़्यादा घुसने वाला भी कबूतर है ये। अब देखिए आप दोस्तों हो सकता है इस कबूतर का जोड़ा होगा मगर मैं इसका जोड़ा तोड़ दूंगा क्योंकि दोस्तों जो नर की चोंच है ना वो छोटी है और दोस्तों जो माझी की चोंच है लंबी है और दोस्तों दोनों का जो कलर है ना बहुत ज़्यादा अलग है तो इसलिए अंदर जोड़ा लगाऊंगा नहीं मैं, इसको मैं करता हूँ अलग। दोस्तों यह है कलंक का कबूतर, इसको डालता हूँ अंदर मैं। अब देखिए आप कबूतर को, मुझे तो इसका जोड़ा सही लग रहा है। ये भी खैरा कबूतर है और वो भी खैरी माझी है, दोनों की काली चोंच है, काले नाखून है और दोस्तों जो दोनों का कलर है ना सेम ही है तो इन्हीं का दोस्तों मैं जोड़ा लगाता हूँ। अब दोस्तों अंधेरा होने वाला है तो मैं जल्दी से अपने कबूतर बंद कर लेता हूँ। तो बस दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।